हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शंस। दिस इज रेहान एंड दिस इज साहिल। सो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं आसिफ अली टीवी के एक वीडियो पर। बहुत ही बेहतरीन आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं इनके चैनल पर, क्रिकेट से रिलेटेड और आपके अदर नॉलेजेबल वीडियो भी मिलते हैं। तो इनके चैनल को आप एक बार ज़रूर विज़िट करें और सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपने इनको अभी तक नहीं किया है। वैसे तो इनके ऑलरेडी 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, तो आपने आई थिंक ऑलरेडी इन्हें सब्सक्राइब कर रखा होगा। बहुत फेमस चैनल है। वीडियो जो हम आज लेके आए वो है हाउ दिस मुस्लिम वुमन बिकम बिलियनर इन फ्यू मंथ्स। तो ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा कुछ लड़कियों को जो सोचती हैं कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, या फिर उन बंदों को जो अपने घर की लड़कियों को कुछ करने नहीं देते, आगे बढ़ने नहीं देते। तो ऐसे लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए और आप लोगों की ड्यूटी है कि इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को भेजें जो अपनी बहनों को या फिर अपनी वाइफ को कुछ करने नहीं दे रहे, घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, कुछ काम वाम जो भी उनका करियर है उसमें कुछ करने नहीं दे रहे, तो उन लोगों को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। फिलहाल तो हम ये वीडियो देख लेते हैं, अभी पूरा देखेंगे उसके बाद आगे और बात करेंगे। हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर और ज़हीन मखलूक होने के शर्फ से नवाजा है। इंसान को अल्लाह ताला ने वो हौसला और बसीरत अता की है कि अगर ये चाहे तो अपने लिए हर किस्म के हालात पैदा कर सकता है। ये गरीब से अमीर, बदसूरत से खूबसूरत, मिलियनर से मल्टी मिलियनर और मल्टी मिलियनर से बिलियनर बन सकता है। लेकिन इन सब के लिए इसे एक इनिशिएटिव, कुव्वत इरादी, मुश्किल मिजाजी और ख़ुद इत्मादी की अशद ज़रूरत होती है। अगर किसी भी सही पर हाँ वो मर्द हो या औरत ये खूबियाँ पाई जाएँ तो वो बआसानी दुनिया का हर चैलेंज कबूल कर सकता है। आज की वीडियो भी एक ऐसी ही जादुई खातून के मुतल्लिक है जिसने अपनी नाकाबिले यकीन खुद एतमादी मुश्किल मिजाजी से ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने घर वालों की भी किस्मत बदल डाली और ये साबित किया कि खवातीन किसी से भी कम नहीं होती। राइट। इन नौजवान खातून ने महज चंद बरसों में अपनी मेहनत से करोड़ों का बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। इन्होंने इस कारोबार को स्टैंड करने के लिए ना तो किसी बैंक से लोन लिया और ना ही किसी रिश्तेदार से मदद तलब की। ओह माय गॉड। आज इनकी ब्यूटी इंडस्ट्री का बिजनेस दुनिया के कई ममालिक में फैल चुका है। चंद डॉलर्स का बिजनेस अब करोड़ों और अरबों का बिजनेस बन चुका है। दोस्तों, इस अरबपति खातून का नाम टिमी उम्बेल है। ये अमेरिकन रियासत वर्जीनिया की रहायशी हैं। यहाँ मज़े की बात यह है कि इनके हस्बैंड एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर इस वक्त अमेरिका ही में रिहाइश पजीर है। नहायत हैरत अंगेज तौर पर टिमी के 14 बच्चे हैं और इनका कोई भी बच्चा स्कूल नहीं गया। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि इतनी मालदार औरत और इसका एक भी बच्चा स्कूल नहीं गया। ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में आपके साथ तफसील से डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक भी बच्चा स्कूल नहीं गया और 14 बच्चे हैं यार। दोस्तों, अमेरिकी रियासत वर्जीनिया की रहायशी टिमी 17 लाख डॉलर का नेचुरल कॉस्मेटिक्स का कारोबार करती हैं। इसे इन्होंने बगैर किसी बैंक के कर्ज और सरमायाकार की मदद से खड़ा किया है। उम्बेल अपने शोहर और 14 बच्चों के साथ रहती हैं। उम्बेल के शोहर पाकिस्तानी डॉक्टर हैं और उनके घर में टीवी सेट तक मौजूद नहीं है। उम्बेल ने अपने तमाम बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय घर पर ही पढ़ाया। इनके 4 बच्चे अब भी कॉलेज में मेडिकल, इंजीनियरिंग और साइबर सिक्योरिटी की तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि बाकी बच्चों को उम्बेल अब भी घर पर खुद पढ़ाती हैं। उम्बेल अपने बिजनेस को तकवीत देने और बच्चों को पढ़ाने का काम एक साथ करती हैं। बिजनेस के सिलसिले में इन्हें कई ममालिक का सफ़र भी करना पड़ता है। अलग अलग मकामात की कुदरती मसनूआत को समझना और फिर इनसे आपकी मसनूआत तैयार करने के लिए इनको जगह जगह मारे मारे फिरना पड़ता है। अपने इन दौरों में वो कई मरतबा अपने बच्चों को भी अपने साथ ले जाती हैं। उम्बेल का ख्याल है कि मुख्तलिफ जगहों का तजिया भी बच्चों की तालीम का एक हिस्सा है। उम्बेल कहती हैं, मैं अपने बिजनेस को पुराने अंदाज में चलाना चाहती थी जिसमें पहले पैसे कमाओ फिर इसे दोबारा सरमायाकारी के लिए लगाओ वाली पॉलिसी अपनाई जाती है। मैंने कभी भी पैसा कर्जा लेकर बिजनेस करने का नहीं सोचा। इमी ने सबसे पहले मलबूसात की कंपनी शुरू की जिसमें इन्हें ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। इन्होंने इसे बंद करके फौरी तौर पर दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इसके बाद इन्होंने शियाटेरिया ऑर्गेनिक के नाम से कंपनी का आगाज़ किया। ये नेचुरल बॉडी प्रोडक्ट्स की कंपनी है जो कबाली ग्रुपों,
और मिस्र, मराकश, नामीबिया या तंजानिया जैसे ममालिक के छोटे ग्रुपों से खाम माल मंगवाती है। ये कंपनी 17 साल पहले शुरू हुई। इसने मगरबी ममालिक को ऐसी चीज़ों से रोशनास करवाया जिनके बारे में वहाँ के बाशिंदे जानते तक नहीं थे। ओम्बेल ने अपने बिजनेस को तुसी देने के लिए इन जगहों का दौरा करना शुरू किया जहाँ जिल्द के इलाज के लिए अब भी मकामी अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं। ओम्बेल कहती हैं, मैंने इन जगहों पर रोज़गार पैदा करने की कोशिश की जहाँ ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। मैं जानती थी इन जगहों पर ऐसी कई चीज़ें हैं जो फितरत के बेहद करीब हैं लेकिन बाज़ार तक पहुँच से दूर हैं। ओम्बेल की कंपनी अमेरिका की रियासत वर्जीनिया में वाक़ है और ऑनलाइन तरसील के ज़रिए मसनूआत फरोख्त कर रही है। इसके अमेरिका भर में 700 स्टोर हैं। गुज़श्ता कुछ सालों से ओम्बेल को एक परेशानी का सामना करना पड़ा है। मार्केट में नेचुरल प्रोडक्ट्स के नाम पर बहुत सी जाली मसनूआत फरोख्त होने लगी हैं। इसकी वजह से ग्राहक ये यकीन नहीं कर पा रहे कि कौन सी मसनूआत दुरुस्त हैं और कौन सी गलत। ओम्बेल कहती हैं कि मार्केट में जारी इस मुकाबले में ख़ुद को मुसलसल आगे बरकरार रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो मसनूआत के मेयार के साथ समझौता नहीं कर सकती। क्या बात है यार। दोस्तों आज की वीडियो बस यही तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो यार आसिफ अली टीवी। ऐसी दिलचस्प वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देख इतनी अमीर हो गई कि मतलब चाहती तो वो भी अमेरिका में कोट पेंट में रहकर बड़ी बिजनेसमैन है तो उस तरह से घूमे, लेकिन फिर भी अपना हिजाब अपनी तहजीब वो नहीं भूली और कंटिन्यू करा। और उन्होंने सबसे शॉकिंग ये था कि उनके बच्चों को खुद पढ़ाया उन्होंने, स्कूल की तालीम उन्होंने खुद दी है। उनको पता है ना यार कैसे पढ़ाया जाता है। उन्होंने पढ़ाया साथ में बिजनेस किया, दोनों को कॉम्बिनेशन ही देखते। बहुत ज़्यादा बड़ा एक मोटिवेशनल वीडियो बोल सकते हैं इसे। और आसिफ अली टीवी ने भी पता नहीं कहाँ से ढूंढा होगा ये वीडियो, मतलब ये टॉपिक इनके पास कहाँ से पता चला होगा। किसी और यूट्यूबर को तो नहीं देखा मैंने इस टॉपिक बात करते हुए। सही है। और इनके हस्बैंड पाकिस्तानी डॉक्टर है, वर्जीनिया। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये भी पाकिस्तानी हुई। हाँ पाकिस्तानी है, सही है ना। लेकिन रहते हैं यूएसए में है और वर्जीनिया ना है पाकिस्तान। इनके नाम से मुझे लगा नहीं कि ये मुस्लिम होगी स्टार्टिंग में, पहले है ना। हाँ ऐसा मुझे भी लगा, लेकिन हो सकता है कन्वर्ट हुई है, हो सकता है। शक्ल भी माशाल्लाह लगा नूर है उनके चेहरे पे, फॉरेनर टाइप की भी लग रही थोड़ी थोड़ी सी लग रही। तो प्राकृतिक कॉस्मेटिक यूज करती है ना तो चेहरे पे नेचुरल। और इन्होंने बनाए और इनका 700 स्टोर है पूरे यूएसए में। यूएसए में 700 स्टोर होना बहुत बड़ी बात है यार, मतलब 700 स्टोर, 700 स्टोर यूएसए में, क्या बात है यार। मतलब बहुत बेहतरीन वीडियो, मोटिवेशनल है। और मतलब अगर चाहो तो सब कुछ है आसान, कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसके लिए आपको जहन अपना बनाए रखना होगा। सबसे मेन बात ये है कि आपको जिद्दी होना चाहिए हर चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए मतलब आप जिस चीज़ जो भी आप चाहो वो हासिल करके रहो, उस जिद होना चाहिए यार। ये तो है कि भाई हम बोलते हैं ना ये जिद्दी है, बच्चों को भी जो बचपन में जो जिद करने वाले रहते हैं ना वही बड़े होके कुछ कर भी पाते हैं, ये तो मैंने देखा है। और जिद सही है, जिद्दी होना चाहिए इंसान को। और लेकिन अच्छी बातों के लिए, हाँ अच्छी बातों के लिए जिद ही मतलब इंसान को, इंसान की जिद यानी कि उसका हौसला ही उसको आगे कामयाब करवा देता है। राइट, बहुत अच्छा लगा हमें वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ये आप हो सकता है आप लोगों को भी आज पता चला हो, कुछ लोगों आज पहली बार सुन रहे हो उनके बारे में। हाँ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इनकी जो सोच थी, इनका जो काम करने का तरीका था। राइट। ये जो है इनकी पर्सनालिटी आपको कैसे लगी, जो हिस्सा भी सब आप मुझे। और स्पेशली ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर करना जो ये सोचते हैं कि लड़कियाँ कुछ कर नहीं सकती, उन लोगों को शेयर करना पक्का बनता है। सो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और लाइक भी कर देना। ऐसे वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। हमें सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की यूज़र आईडी स्क्रीन पर भी है, डिस्क्रिप्शन में हमारे आपको सभी सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, फेसबुक, ट्विटर वगैरह सबके। जाते जाते सब्सक्राइब कर जाएं, सामने दबा दें बेल आइकॉन। और हमारे और भी चैनल है उनके, उन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक है। डिस्क्रिप्शन में एक बार चले जाओ और देख लो सब कुछ और सब चीज़ें कर ही दो तो अच्छा लगेगा हमें भी। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।